आप स्वागत है मेरा नाम है अर्जुन और दोस्तों ये था, देखो, पंजाब ने ना जिम्मा ले लिया, है। जिम्मा ले लिया है कि भाई ड्रामा अगर कोई इस बार आई पी एल में डालेगा तो मैच की तो एनालिसिस पता नहीं कितनी होगी वीरेंद्र सहवाग है अजय जडेज है लेकिन माहौल की क्योंकि वीरूभा जब बचपन में खेलते थे ना एक दूसरे के खिलाफ और ऐसे की मतलब किलियां उड़ाए जा रही है उड़ाए जा रही है जितने रन के लिए इतने विकेट गए हम जाके ना जो जीता था दूसरे वाले बोलता भाई को भाई कोलैप्स ये तो कोलैप्स हो गया मार ही नहीं पैर ही पैर ही काट लिया अपना खैर विकेट जैसा देखने को लगा कि ऐसा इतना आसान विकेट नहीं लग रहा था क्योंकि दोनों टीमों के टॉप स्टार बल्लेबाजों ने बैटिंग की लेकिन ऐसा फ्रीली किसी ने भी नहीं बैटिंग की तो इसलिए ये है कि भाई कभी कभी आपको विकेट को भी इज्जत देनी पड़ती है अगर विकेट को इज्जत देते और विकेट के अकॉर्डिंग अनुसार बल्लेबाजी करते तो शायद इतना मुश्किल भी ना होता पर एक स्टेज पर तो ऐसा लगा था जैसे डेविड वॉर्नर और बेस्टो ने शुरुआत की थी पचास साठ रन उन्होंने बड़ी जल्दी बना दिए थे तब शायद मनीष पांडे बैटिंग करने आए थे और उस समय ऐसा लग रहा था कि मैच पंद्रह ओवर में खत्म होगा कि सोलह ओवर में खत्म होगा लेकिन यही है क्रिकेट अनिश्चितताओं का खेल है यहाँ हर प्रोडिक्शन फेल है तो ये गेम कब घूम जाए <laughs> एक एक खराब शॉट एक अच्छी बॉल एक गलत डिसीजन और एक मैसअप ये सारे काम हुए हैं इस मैच में भाई देखो जो लोग ये शो देख रहे हो ना इन बातों को गांठ गांठ बांध लो भाई इन बातों का क्योंकि ये ऐसे ही हो रहा है इस पूरे सीजन में और ये लोग तो इस टूर्नामेंट को इस खेल को इतनी अच्छी तरह जानते हैं अजय सर आपको एक बार दिखा देते हैं कि आखिरी चार ओवर में हुआ क्या सर सत्रहवा ओवर जॉर्डन साहब ने डाला इन दोनों के गेंदबाजों के आपके ओवर बचे हुए थे क्योंकि के राहुल ने अपने सारे जो एक्सपीरियंस गेंदबाज है जो अभी सक्सेसफुल गेंदबाज है उनको पहले ही इस्तेमाल कर लिया आठ रन एक विकेट फिर अर्शदीप सिंह का अठारवा ओवर वहां पर दिया तीन रन और एक विकेट वहां पर फिर ओवर क्रिस जॉर्डन का तीन रन दिए और लिए दो विकेट और बीसवा ओवर अर्शदीप सिंह ने फिर लिया दिया एक रन और लिए तीन विकेट सर ये विकेट किलो के भाव में मिल रहे थे कहा मिल रहे थे क्या हो रहा था सर ये ये आखिरी ओवर में तो मैं मान सकता हूं कि मिले हैं मिली हुँ. विकेट कह सकते हो क्योंकि उससे सक... तब तक तो कुछ बचा ही नहीं था क्योंकि 16-17 रन आपको बनाने हैं जब आपके दो बल्लेबाज 10 ओवर खेल के गए हैं उनको जब चार ओवर में 24 बनाने थे उनके लिए असंभव था तो वो छक्के मारने को देख रहे थे जो 20 बीस तीस तीस चालीस पे खेल रहे थे तो आखिरी पंद्रह में तो वो तीन मिले ही मिले बाकी यू नो दाद देनी होगी यू you नो know, किंग्स इलेवन पंजाब की उन्होंने कहीं छोड़ा नहीं क्योंकि बात बिल्कुल सही कही वीरू ने यार पांच छह ओवर में तो पचास साठ रन बने हुए थे उस टाइम तो ऐसा लग रहा था कि कब खत्म होगा कब जल्दी होगी हमें ऐसा नहीं उनको भी ऐसा लग रहा था क्योंकि अगर आप देखें ना जब समझ आए हैं समझ चार आए हैं आज हाँ। तो वो उस टाइम सोच तो यही यहां से भाई इनका पता नहीं चलता लेकिन मैं जो अनुमान लगा रहा हूँ हाँ। सोच तो यही होगी कि हम इसको जल्दी खत्म कर दे हाँ। एक विकेट में ही जो सोच बिल्कुल बदल गई क्योंकि उसके बाद जो पार्टनरशिप देखी ना आपने वो ऑलमोस्ट दस ओवर चली यू नो विजय शंकर और मनीष पांडे के बीच और मनीष पांडे और विजय शंकर अभी दो दिन भी नहीं हुए अभी तक मतलब वो ना अभी तो सूखा भी नहीं था जो पिछली इनिंग खेली थी उसमें दे चके, दे छक्के छक्के चौके वो मतलब उन लोगों को ऐसा दस ओवर खेलने का मूड बना तो आई थिंक माइंड में ही कहीं हुआ है कुछ कि यार ये क्या करें यहाँ बहुत मुश्किल हो गई है सडनली और एक और प्रूफ है कि ये गेम मेंटल क्यों है? है और कंडीशंस कितना मैटर करती हैं क्योंकि कंडीशंस तो आसान नहीं थी पूरन उस टाइम पूरन की बात हो रही थी तो मैं इमोशनल हो गया था मैं कह यार पूरन एक्चुअली तो मारने वाला है नहीं लगी होगी आज मैं कैसे समझाऊ पंडित जी को मैं लड़ रहा था आपसे लेकिन उस टाइम मुझे लड़ना नहीं चाहिए था आई थिंक उस टाइम अगर मैं रिस्पेक्ट करता तो जो इनको भी करनी चाहिए थी आई थिंक कंडीशंस को रिस्पेक्ट नहीं करी इन्होंने भी और स्पेशली दूसरे की गलती देखने के बाद क्योंकि ज्यादा फर्क नहीं है इनिंग दोनों सिमिलर रही है यू you नो know, उन्होंने भी दस ओवर में साठ सत्तर के करीब थे एक दो आउट थे उनसे रन नहीं बने आखिर में यहां पे ये यह रिपीट किया उन्होंने जो फर्स्ट इनिंग में एसआरएच uh, करके गई तो एक और बार आज कंफर्म हो गया एक और चीज के कंडीशन भी बहुत मैटर करती है वीरू भाई प्रेशर इज अ क्रेजी थिंग ना क्योंकि जब मनीष पांडे आउट हुए वीरू भाई स्कोर कार्ड जो मेरे क्रिकबज ऐप पे हूं 16.1 ओवर्स 100 फॉर 4 उसके बाद वीरू भाई 4 ओवर और आपको बनाने 26 रन वहां से एंड ऑफ द टोटल तक पूरे ऑल आउट हुए 26 रन बिल्कुल मेरी मेरी खुद समझ में नहीं आया मतलब रन रनअ बोल पे आप मैच हार गए ये समझ में आता है कि आपको 24 कि अपने पे मारी है, फिर आपने पेड़ नहीं काटा है अपना पैर ही काटा है तो वही काम हुआ है लेकिन किसी एक को तो जिम्मेवारी लेनी थी चाहे वो मनीष पांडे होते चाहे वो विजय शंकर होते चाहे वो इवन होल्डर अगर हम बात करते हैं कि वो कप्तान

Uh, सब ये कहते हैं कि यार लास्ट के चार ओवर में पचास साठ रन चाहिए तो आप आप, आप, आप जीत सकते हो इस, इस में। लेकिन तो तो हाँ। तो 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 कहीं कहीं, तो गेंदबाजी ऐसे गेंदबाज है नहीं पंजाब के पास तगड़ी गेंदबाजी करे हाँ। या फिर विकेट जो अः मुझे भी ऐसा लगा कि विकेट पर गेंद रुक के आ रहा था क्योंकि अर्षदीप जो गेंदबाजी करते हर बॉल पे ऐसे फिंगर फेर रहे थे स्लो गेंदे डाल रहे थे

देखा जाएगा कोच से और पूछा जाएगा यार इतनी जल्दी क्या थी या फिर आज के जमाने में भी यही अगर ऐसी पे हम लोग हारते थे तो मैं कोशिश करता था उस, उस माहौल से ड्रेसिंग रूम के माहौल से जल्दी निकले और आप इंडिविजुअली जाके उस प्लेयर से बात भाई हुआ क्या आपने क्या किया बैटिंग करते वक्त गेंदबाजी करते क्या किया उनसे आप बात करते हो तो वो कहते हो नहीं मुझे लगा था किसी को बीस का एक देता चाहिए थे और उन्होंने चार गेंद में चार छक्के खा लिए एम एस धोनी से छह गेंदों पर चौबीस रन चाहिए थे तो मैंने उनसे उन्हों पूछा उन्होंने कहा कि मैं पहले स्लो डालने की कोशिश की उस पर छक्का पड़ गया फिर मैंने कहा चलो एक और डाल के देखता हूं उसमें भी पड़ गया फिर मैंने जोर से डाली तो उस पर भी पड़ गया फिर मैंने सोचा यॉर्कर मार दूसरी तो मैंने उनको कहा कि अगर आप छे की छे स्लो डाल देते तो क्या हो जाता ज़्यादा था चार बॉल वैसे भी तो हार ही गए कह रहे नहीं मेरे माइंड सेट में ये फिर मेरे को आया ही नहीं मुझे लगा नहीं मैं आप तेज डालू और एम एस धोनी अगर एक स्पिनर तेज डाले आधी विकेट पे तो वो वैसे ही किसी को नहीं छोड़े तो वो माइंड में आपको प्रेशर इतना आ जाता है कि वो प्रेशर आपसे गलतियां करवाता है तो मुझे लगता है कि यहाँ पर शायद वही हुआ होगा कि विजय शंकर को प्रेशर तो नहीं आया होगा लेकिन वो जो बॉल लगी ना उस बॉल लगने का प्रेशर हो गया होगा वहां से ब्रेन फेड हो गया और अजय सर जब कह सकते ना एक एक जब पेंडुलम बदला पंजाब की ओर वो आपको अमेजिंग फील्डिंग देखने को मिली सर कभी कभी फील्डिंग को इतना हम कहते ना जो आए थे ही वो उस टाइम आई थिंक साहब के लिए आए थे फील्ड पर टीवी पे तो एंगल ऐसा लग रहा था कि हम कह रहे थे छक्का और सडनली आया बॉल खचाक सुपरमैन की क्योंकि इतना मतलब ऐसा गिरते पड़ते नहीं देखे ना तो कई बार जो टीवी देखने कहते हैं यार ये तो आसान है नहीं यही तो अच्छे फील्डर की खास निशानी है कि उस मुश्किल है है वो वो सेम बाउंड्री के हैं इनफैक्ट अक्रॉस रन कर रहे लेकिन उन्होंने टाइमिंग जंप की इतनी अच्छी पकड़ा और अपना बैलेंस रखा है ना और इसीलिए उधर कूदना नहीं पड़ा या किसी को फेंकना नहीं पड़ा गेंद पकड़ी आराम से और कैच कहाँ पकड़ा पता है और बचपन से मैं जब भी कोचिस के पास कॉमेंटेटर सबसे आप देखोगे ना वो कहते हैं यार सबसे सेफ है सीधी मारो क्योंकि पे लेकिन जब आप एक कैच की कैरेक्टरिस्टिक देखते हो कि आपने देखा कि डाइव मारने की जरूरत नहीं पड़ी टम्बलिंग करने की जरूरत नहीं पड़ी इट ऑल्सो टेल्स योजिशनिंग सही थी सही वक्त पे निकले एंड ऑल ऑफ माइंड कि आप आराम से फिर आपने कैच पकड़ा फिर बिल्कुल लॉन्ग ऑफ से भागते हुए आए वो वहां नहीं खड़े थे यू नो पोलैंड के लिए कभी कभी वहां पे खड़ा किया जाता है फील्डर ये जहां नॉर्मल होता है लॉन्ग ऑफ वहां से भाग के आए तो एंटिसिपेशन होती है उसने शॉट देखा बॉल पे भाग के आया वो एक्चुअली सेफेस्ट जोन है वहां पे मारना भी सेफ है और यू नो वहां पे फील्डर होता नहीं लेकिन इन्होंने इतनी आसानी से वो कवर किया और मेड इतना आसान दिखाया ना इतना आसान नहीं वो मुश्किल कहता है और मैच अगर घूमा है तो वो वहीं से घूमा है क्योंकि मेरा मानना नहीं है अगर मनीष पांडे और विजय शंकर आखिर तक खेलते आ, तो कोई तकलीफ होती नहीं वो हाँ। आपने जो एक मौका दिया ना वो जो आप कहते रहे ना टॉप फोर में घुसने का दरवाजा दर्वाज? वो दरवाजा दर्वा, दरवाजा पंजाब का बंद था हाँ। लेकिन वो उन्होंने ना मनीष पांडे ने थोड़ा सा खोल के दे दिया उनको भी वो खेलेंगे नहीं पंजाब से कभी ना कभी वो भी शायद वहां से भी खेले होंगे नहीं पंजाब पंजाब नहीं से नहीं, खेला सर से बट नहीं। नहीं। बट एक चीज आज बोलना चाहता हूं, बीच में घुस के आई थिंक इतने सालों से मजाक उड़ाते हैं बट मैं कहूं कोई टीम का फैन प्रीति जिंटा जैसा फैन नहीं हो सकता टीम का उसको कभी खुशी नहीं मिली है इतनी कि जो वो जीत गई हो जीत हो लेकिन एक साल नहीं गया या एक मैच नहीं है जो वो आके अपनी टीम को सपोर्ट करती नहीं है तो ये जो विक्ट्री है ना मेरे लिए तो ये है कि ये जो प्रीति जिंटा का जो सपोर्ट है अपनी टीम के लिए है तो उनकी अपनी टीम लेकिन बहुतों की अपनी टीम है लोग तो छोड़ के भाग के बेच के भी चाह चुके हैं लेकिन इन्होंने अपनी टीम को और अपने खिलाड़ियों को सपोर्ट करना नहीं छोड़ा हाँ सपोर्ट स्टाफ हर साल चेंज करते हैं वो अलग बात है <laughs> <laughs> सर लेकिन कंसिस्टेंटली हौस, हौसला अफजाई वहां पे हो रही है उनकी टीम की जो, है, जो है, है सर कैमरा वाले भी देखो सीधा उनको पकड़ते